वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये मुझे ऐसे ही डाल दिया। इसमें आया था पैक, इसका एक शॉर्ट भी मैं बना चुकी हूँ तो वो मैं अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। ये इसमें पैक आया था विथ इसके साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से आया है और मैं इसे पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती कि ये कैसे आया था, मैं खोल नहीं पाई। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, देन अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं ना वो होते क्या हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ना मतलब फाइनल ईयर में थे ना, उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था सिंपल, मतलब हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में रहते थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि फॉलोइंग जो क्वेश्चंस है उसको 5 मार्क्स ऐसे लिखा रहता था एंड डिफरेंट क्वेश्चन रहते थे। तो उसमें लिखा हुआ था सिंपल मेंस्ट्रुअल कप। सो एट दैट टाइम बॉयज को नहीं पता इज़ ओके, बट काफ़ी गर्ल्स भी ऐसी थी जिन्हें नहीं पता था कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल कप। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तीन साल पहले जब मैंने 2020 में अपना एग्जाम दिया था ना, तब की बात है। ओके, तो उस टाइम पे गर्ल्स को भी नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप एक्चुअल होता क्या है। इसके बारे में बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहती थी एंड तब मुझे पता था कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। ओके, मैंने वीडियोज़ देखे थे, मैंने बहुत सारे मतलब वीडियोस देखे थे कि इसे कैसे यूज़ करना है और बहुत कुछ पढ़ा था इसके बारे में। सो आई न्यू दैट टाइम और मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा बट स्टिल मैंने किया था, आई एम प्राउड ऑफ मी। देन अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। पैड्स के बारे में हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हम सब ने टैम्पन्स के बारे में भी सुना है कि यार अगर हमें स्विमिंग करना हो पीरियड्स के टाइम पर तो हम क्या करेंगे। तो तब हमें पता चलता है कि टैम्पन जैसी कोई चीज़ आती है जो कि स्विमर्स यूज़ करते हैं या ऐसा कुछ होता है। ओके, सेम चीज़ जो होती है वैसे ही, सेम नहीं होती है बट अगर हम कहें जैसे टैम्पन जो होता है ना वो अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, वैसे ही सेम ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ना ये होता है। तो इसे इंसर्ट किया जाता है और ये जो होता है ना ये बहुत सेफ होता है। इसके साथ आपको ये प्यारे से बॉक्स में आपको मिलता है, बहुत प्यारे बॉक्स में। ये मेरे पास सिरोना का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। एंड ये एक पेपर आता है जिसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है। इसके साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट जब मैं बताऊंगी ना तो इस पेपर की फ़ोटो के लगाते जाऊंगी। यहाँ पे आपको सिरोना का स्टरलाइजर भी मिलता है और इसका मेंस्ट्रुअल कप्स भी मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज इसके बारे में, इसको आपको कैसे इंसर्ट करना है, पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ये इंग्लिश में है। अगर कोई दिक्कत हो तो इसका फ़ोटो खींच के गूगल पर डाल दीजिएगा, हिंदी में बता देगा ये जो है। और अगर और ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरा वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा, बार बार समझ में आएगा। ये है इसके फोल्ड्स जो हैं वो लिखे हैं। तो आज हम इन्हीं 3 फोल्ड्स जो मेरे को आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी जो है वो 2020 में हुई है। इसके पहले मैंने एक बार ये कप यूज़ किया था, उस टाइम पे वो वाला मेरे पास है नहीं, गुम हो गया मुझसे। मैंने स्मॉल साइज़ यूज़ किया था, ये मीडियम साइज़ है। इसके अलावा एक और साइज़ आता है वो लार्ज होता है। ओके, मीडियम साइज़ मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरा एक बेबी है इसलिए, और जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा एक बेबी है इसलिए मैंने मीडियम साइज़ दोबारा ऑर्डर किया और अब मैं मीडियम साइज़ जो है उसे यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसे जब इंसर्ट कैसे करना है। तो इंसर्ट करने के पहले मैं तरीके बता देती हूँ। तो इसे इंसर्ट करने के वैसे 3 मेन तरीके होते हैं जो इसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, और मुझे ये 3 आते हैं। ये एक फोल्ड होता है, देखिए ऐसे रखा हमने इसे, ऐसे दबाया, ऐसे, इसे हम बोलेंगे सी फोल्ड। सेम चीज़ हमने ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो ये हो गया पंच डाउन। दोनों तरफ से एक ऐसे कर लिया पूरा, एक तरफ इधर से दबा दिया, एक तरफ इधर से दबा दिया। ओके, लुक ऐसा दिखेगा कुछ ये, तो ये पंच डाउन फोल्ड हो गया। देन इसके बाद इसे ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे कर लिया तो ये 7 फोल्ड हो गया। अब इसे करना क्या है, तो इसे ना आपको इंसर्ट करना है इन प्लेस ऑफ जहाँ जैसे पैड्स यूज़ करते हैं ना, पैड्स लेते हैं, तो वैसे हमें कप्स लेने होते हैं और इसे इंसर्ट करना होता है। ये जो मैंने 3 फोल्ड्स बताए ना आज आपको, जैसे ये 7 फोल्ड में, मैं मोस्टली 7 फोल्ड पसंद करती हूँ, तो 7 फोल्ड में करके इसे ऐसे पतला सा हो जाता है एकदम, 7 फोल्ड आपने किया देन इसे आपको इंसर्ट करना है। अब इसका मैं खुद पर्सनल आज आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे प्रेफर किया था, इट वाज सो पेनफुल एंड उस टाइम मुझे डाउट भी था कि इसे मतलब हम कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं मैरिज के पहले या नहीं कर सकते इस टाइप का। तो मैंने वीडियोस देखे एंड आई थॉट कि यार यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने एक बार ट्राई किया, इट वॉज सो पेनफुल। ओके, तब इतना ज़्यादा पेनफुल था ना वो कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इट वॉज पेनफुल बहुत ज़्यादा, मतलब शायद मुझे तरीका नहीं आता था
कि कैसे इसे करना है, इस कारण ये पेनफुल था, बट अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो आपका पेन कम हो जाएगा। अब इसे लगाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसकी बात करते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कोई मिरेकल हो गया है ना, तो ऐसे मिरेकल नहीं होने वाला है। ये मेरा मीडियम साइज़ का कप है जो कि 4 घंटे में भर जाता है। ओके, मुझे बहुत नॉर्मल ब्लीडिंग होती है बट स्टिल ये 4 आवर्स में फिलअप हो जाता है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसे एम्प्टी करना पड़ता है निकाल के। पूरा इस पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ लेबल लगा दूँगी वैसे भी। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जब भी ये फिलअप हो जाए, आपको लगे कि आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको इसे निकाल के एम्प्टी करना होता है। देन इसे वॉश करके आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन जब आप एक बार एक अपने पीरियड्स में इसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, तो अपने नेक्स्ट पीरियड्स में आपको इसको यूज़ करने के लिए बीच में आपको स्टराइल करना है। अब स्टराइल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप क्या कीजिए ना कि इसे डायरेक्ट स्टराइल कर लीजिए पानी में डाल के, जैसे हम लोग बाकी चीज़ें स्टराइल करते हैं ना, इसे खोलते पानी में 10 मिनट खोला लिया हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका होता है इसे इसका स्टराइलाइजर जो आता है ना स्टराइल करने के लिए, साथ में ये दिया हुआ है सिरोनिकप मेंस्ट्रुअल स्टराइलाइजर, दिस आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं, उससे भी स्टराइल कर सकते हैं। कुछ लोग किचन में नहीं ले जाना चाहेंगे उनके लिए। तो अब बात करते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओके, शादी के पहले आई वॉज स्केयर्ड, क्योंकि इसे यूज़ करना इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है। मैंने कभी टैम्पन यूज़ नहीं किया था, मैं डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल कप्स जो है उसे यूज़ कर रही थी। मुझे मेंस्ट्रुअल कप इसलिए यूज़ करना था क्योंकि मैं ना वो पैड से ना मुक्ति चाहती थी, और मैं थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो होती है ना चीज़ें, मतलब वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट डालता है, इतना ज़्यादा, मतलब उसे कितने टाइम में यार वो डिकम्पोज होगा और कहीं पड़ा रहेगा, कोई एनिमल खा लेगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने मेंस्ट्रुअल कप की तरफ जाने के लिए सोचा, और मैंने पहले सोचा था कि मैं शादी के बाद करूँगी, बट ये बात किसी को बताई नहीं, बट आई एम रिवीलिंग इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा दैट हाँ मैंने एक बार यूज़ किया था, और मैंने एक बार स्मॉल साइज़ यूज़ किया था एंड वो बहुत पेनफुल था, तो बंद कर दिया। ओके, फिर सोचा ठीक है बाद में करेंगे। एंड देन उसके बाद जब तुरंत शादी के बाद बेबी हो गया, बेबी के बाद मुझे लगा कि मुझे अब ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरे पीरियड्स हैं वो वापस आएंगे। तो 6 मंथ के बाद जैसे कि मुझे पीरियड्स मतलब वापस आने थे, उसके पहले मैंने इसे बाय किया, और कप जो है वो मैंने मीडियम साइज़ में लिया। तो अगर आपका कोई बेबी है, अगर आपका एक बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको मीडियम साइज़ लेना चाहिए, और अगर आपके 2-3 या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी है और नॉर्मल डिलीवरीज मल्टीपल हो चुकी है, तो आप लार्ज साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा साइज़ जो है ना उसे यूज़ करेंगे ना, तो काफ़ी पेनफुल होगा, मतलब या सोचो कोई भी चीज़ है जो अंदर जाके इंसर्ट हो रही है तो ऑफकोर्स थोड़ा दर्द होगा। ओके, स्टार्टिंग में ना आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है और थोड़ा दर्द होता ही है, बट वैसा ही डिस्कम्फर्ट रहता है जैसा हम फर्स्ट टाइम मिनाके के बाद ना फर्स्ट टाइम पैड्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें डिस्कम्फर्ट थोड़ा लगता है ना, वैसा ही डिस्कम्फर्ट रहता है, ज़्यादा नहीं। कुछ टाइम बाद तो आप भूल ही जाएंगे कि कुछ है, बट याद रखिएगा और इसे एम्प्टी करना मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें करना, एम्प्टी करना। ओके, करना क्या आपको, जैसे मैंने 3 फोल्ड बताए, सी फोल्ड करना है, या फिर इसे पंच डाउन फोल्ड किया आपने, या ऐसे करके आपने 7 फोल्ड किया, इसे इंसर्ट किया, जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ना, उसके बाद आपने कहा कि आपको 4 आवर या आपको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो 2 आवर्स में कम्प्लीटली फिल हो सकता है, 8 आवर्स तक वैसे चलता है ये, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो उसके बाद आप इसे निकालें, इसे लें और इसे पोर डाउन करके, मतलब पूरा फेंक दें इसका ब्लड जो होगा, देन उसके बाद आप इसे फिर से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इन बिटवीन 2 जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपके, उसके बीच में आपको इसको वॉश करना है। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लाऊं। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले जो वीडियोस हों ना उसमें मैं कुछ रिव्यू करना चाहती हूँ आपके लिए, कुछ मैंने फील किया है अबाउट पैड्स, जो कि मैं अभी वीडियो बनाना था मुझे, तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही थी कुछ कंपनी के, तो वो मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा आपको अगर कुछ जानना है इसके बारे में तो।